आज हम व्हाइल लूप का एक और जो लूप है, व्हाइल लूप की तरह ही है और उसका नाम जो है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो इसका पहले सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स जो इसका है, हम यूज करते हैं ऐसे, हम लिखते हैं डू, डू इज अ कीवर्ड। ठीक है, फिर हम लास्ट में लिखते हैं व्हाइल और व्हाइल में कंडीशन देते हैं। ठीक है, और लास्ट में टर्मिनेट होता है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है, डू से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ये ब्लॉक लूप का ब्लॉक स्टार्ट होता है और लूप के ब्लॉक में हमें जो भी काम करना हो, ठीक है, जिसे हम लूप की बॉडी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम वो काम करते हैं। और एट द एंड इसमें क्या है, व्हाइल की एक कंडीशन लगती है। अब जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द व्हाइल एंड द डू व्हाइल लूप, वो ये है कि व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, ठीक है, बाद में उसकी बॉडी आती है, लेकिन डू व्हाइल लूप के जो है एंड में कंडीशन आती है। और इस एक खास खुशियत के साथ जो डू व्हाइल लूप है उसमें एक जबरदस्त चीज है कि वो मिनिमम एक बार अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी, पहले ही कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन मिनिमम एक बार वो एग्जीक्यूट होगा। हम इसका एक थोड़ा सा देखेंगे। सपोज वी हैव इंट आई इज इक्वल 10, ठीक है, सपोज हम एक वाइल लूप बनाएंगे। हम लिखेंगे वाइल आई लेस देन 9, ठीक है, प्रिंट एफ इन वाइल लूप एंड देन विल डू प्रिंट एफ आउटसाइड वाइल लूप। तो मैंने एक कंडीशन लिखी जो कि पहले ही फॉल्स हो रही है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इंट आई इज इक्वल 10, आई में जो वैल्यू है पहले ही 10 मैंने इनिशियल किया है, इनिशियलाइज किया है, और मैं बोल रहा हूँ ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई लेस देन 9 है, लेकिन आई तो पहले ही ग्रेटर देन 9 है, वो तो 10 है। ठीक है, तो ये क्योंकि आई का कंडीशन क्या है हमारे व्हाइल लूप की, कि आई लेस देन 10 हो, 9 होना चाहिए, तब जाके लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इसको अगर हम एक बार एग्जीक्यूट कर देखें तो विल सी दैट यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड व्हाइल लूप। तो ये व्हाइल लूप में कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन पहले ही फॉल्स आती है। ठीक है, लेकिन कभी हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है कि हम चाहते हैं अगर कंडीशन फॉल्स भी हो लेकिन एक बार कम से कम लूप की जो बॉडी है एक बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हाइल लूप तब काम आता है। तो व्हाइल लूप में यही हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, डू व्हाइल लूप, सॉरी, डू व्हाइल लूप में क्या करेंगे हम, इन डू व्हाइल, देखो मैंने क्या किया, पहले डू डू कीवर्ड है यहाँ पर, स्टार्ट किया है लूप, और पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट इन डू व्हाइल लूप। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचेगा तो पहले कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ये बोल रहा है व्हाइल आई लेस देन 9, तो आई तो लेस देन 9 नहीं है, इसका मतलब ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई जो है ग्रेटर देन 9 है, वो तो ऑब्वियसली 10 है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर से, लेकिन क्योंकि इसने कंडीशन एट द एंड चेक की तो एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम इसको एक बारिश का एक आउटपुट देखें तो ये हमें दिखा रहा है इन व्हाइल, इन डू व्हाइल लूप, और फिर उसके बाद आउटसाइड ऑफ द लूप। इसका मतलब एक बार जो है ये प्रिंट एप जो है एक बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एक बार ही एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन व्हाइल लूप में हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है विद इन द लूप वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था। तो दो डिफरेंसेस जो है इम्पोर्टेंट जो याद रखनी है व्हाइल और डू व्हाइल में, पहले व्हाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट पे चेक होती है। और डू व्हाइल लूप मिनिमम एक बार तो चलेगा ही, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी मिनिमम मिनिमम इसमें जो ऑप्शन है वो एक बार चलेगा। ठीक है, अब मैं इसी का एक ऑप्शन दिखाऊंगा। सपोज वी हैव दिस आई वैल्यू समथिंग, ठीक है, सपोज मैं प्रिंट एफ करूंगा यहां पे इंटर नंबर लेस देन 9 टू कंटिन्यू।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई का वैल्यू जो है ये मैं यूजर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कैन कर एफ करा दिया ये, तो जब तक ये वैल्यू 9 से, मैं इसको बोल रहा हूँ फिर लेस देन 9, ठीक है। जब तक ये वैल्यू 9 से लेस होगा ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, हर बार मैं यूजर से मांग रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ इन डू व्हाइल लूप, ठीक है। सब इसको यहाँ पे बैक स्लैश एन करेंगे, नीचे आ जाए, ठीक है। तो जो ही अगर मैंने इंटर किया एक वैल्यू, अगर मैंने इंटर 9 से ज्यादा किया तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद करेगा। हम इसको देखेंगे रन करके, तो ये मुझे बोल रहा है इंटर नंबर लेस देन 9 टू कंटिन्यू, मैं दे रहा हूँ 6, तो ये मुझे दिखा रहा है इन वाइल लूप, ठीक है, इन वाइल लूप, क्योंकि मैंने 6 दिया है तो 6 लेस देन 9 है, ठीक है। फिर से आ रहा है इंटर नंबर लेस देन 9 टू कंटिन्यू, मैं 4 दूंगा, इन वाइल इन डू वाइल लूप फिर से दिखाएगा और फिर से कंटिन्यू चलेगा ये लूप, तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। सपोज मैं 0 दे देता हूँ, ये कंटिन्यू चलेगा, मैं -100 देता हूँ क्योंकि मैं लेस देन 9 है, -100, तो कंटिन्यू चलेगा। जो ही मैंने 9 या 9 से ज्यादा कोई दिया, सपोज मैं 11 देता हूँ, तो ये इसी वक्त खत्म हो गया और आ गया फिर इन डू वाइल लूप, एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर इसके बाद आ गया आउटसाइड ऑफ द वाइल लूप, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं ताकि पहले प्रिंट ऑफ आए और उसके बाद, तो यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन थी, कंडीशन है, हम इसको ऑब्वियसली वो इंक्रीमेंट वगैरह वो वाले ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसको पहले रखूंगा 0, पहले रखूंगा 0, ठीक है। तो मैं अगर ये यूजर से ना लूं, ये जो वैल्यूज है मैं यूजर से ना लूं, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज है सपोज इसको इंक्रीमेंट करता जाऊं, ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 8 तक तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सपोज मैं यहाँ पर इसका वैल्यू ही प्रिंट करता हूँ i=%d i, ठीक। तो जो भी ये 9 पहुंचेगा तो 9 तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन लेस देन 8 तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन जो ये 9 पहुंचा क्योंकि ये बोल रहा है लेस देन 9, तो ये खत्म हो जाएगा। हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये दिखाएगा i=0, i=1, i=2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो ही ये 8 आ गया फिर इसके बाद आउटसाइड ऑफ द लूप, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन जो है वो बोल रहा है इसको 9 से छोटा होना चाहिए। तो डू वाइल भी वाइल की तरह काम करता है, लेकिन एक इसमें जो एक सिंपल ऑप्शन है, एक सिंपल सी ऑप्शन है, वो ये है कि डू वाइल मिनिमम, अगर ये कंडीशन पहले ही फॉल्स भी होगी, सपोज मैंने आई का वैल्यू पहले ही 100 रखा, तो ऑब्वियसली 100 इज नॉट लेस देन 9, तो ये तो वाइल लूप में तो ये चलता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ये i=100 फिर आउटसाइड ऑफ द वाइल लूप, फिर उसके बाद वाइल लूप से बाहर आता है, ठीक है। तो एक बार, कम से कम एक बार क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो डू वाइल लूप हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कभी मोस्टली वो प्लेसेस होती हैं जहां पर हम चाहते हैं कि लूप मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये वही बात है कि जब आप गेम कोई खेलते हो, सपोज मैं गेम एक बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं गेम आप पहले प्ले कर रहे हो, ठीक है, अब मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ प्ले, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं बड़ी गेम मैं बोल रहा हूँ प्ले, ठीक है। फिर इसके बाद सपोज आपने एक गेम खत्म की, चाहे आपने जीती या हारी, फिर इसके बाद बोलते हैं आपको एक प्रिंट एफ आता है, सपोज आपको बोलता है कंटिन्यू करना है तो यस दबाओ, तो अगर आप यस दबाते हो तो गेम जो है कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। सपोज मैं इसको लिखूंगा प्लेइंग, ठीक है, और उसके बाद बैकस्लैश टी तो कंटिन्यू टाइप वाई, ठीक है। तो ऐसा होगा जब आप वाई करते हो, यस करते हो, तो वो कंटिन्यू जा जो ही आपने, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार आप जाते हो, ठीक है।
या ऐसी ही बात है, ये जनरल लाइफ में भी सपोज आप में से कोई सोचेगा कि आई विल मैं जिम ज्वाइन करूंगा, तो एक बार तो पहली बार आप जाओगे ऑब्वियसली, पहली बार कंडीशन चक नहीं है, जब आप पहले दिन जाओगे ऑब्वियसली वो आपको कोई फॉर्म नहीं बोलेंगे भरने को, आपको कोई फी नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप पहले दिन आए हो तो आप चीजों को देख लो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हमारा जिम तो आप यहाँ आओगे। लेकिन जो ही पहला दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन आप फिर से जाओगे, ऑब्वियसली आपको बोला जाए कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको कुछ फी भरना है वगैरह। लेकिन ये रियल लाइफ कंडीशंस में है ना, तो रियल लाइफ कंडीशंस में भी ये चीजें होती है कि पहली बार जो है आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन जो ही आपका पहली एंट्री खत्म हो गई तो दूसरी बार आपको सपोज उसमें कुछ कंडीशन होती है, या एक ऑप्शन है आपको, सपोज आपको एक कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक फ्री एसएमएस करना है आपको, तो आपको एक ऑनलाइन में आप जाओगे, आपने रजिस्टर किया, एक फ्री एसएमएस आप ऑनलाइन करते हो, आपको पहला एसएमएस फ्री करने देते हैं, ठीक है, लेकिन जो ही आपने पहला एसएमएस किया उसके बाद क्या होती है, कंडीशन होती है अब आपको पे करना होगा, ठीक है, फ्री तो एक आप खत्म कर चुके लेकिन पहला वो करने देते हैं आपको। तो वहां पर उन वाली चीजों में, वो चीजें जहां पर ऐसी कंडीशन होती है, वहां पर हम जो है डू वाइल का डू वाइल लगाते हैं। हालांकि वाइल भी लग सकता था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कंडीशन है मिनिमम एक बार एक्सक्यूट हो जाए।